हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। कहने और दर्शक दी चलिए तैयारी थी खड़ी। आज मैं बिना बकचोदी के नहीं रहता, मैं फर्स्ट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए। इसमें 38 क्वेश्चन रहने वाले हैं मेरी वीडियो में। 38 मीन्स कि आप ये मत सोचना कि आप 38 किस हिसाब से लेके आया, 10 20 30 40 50 लेके आता, 20 ही लेके आता, 38 जो मिले ठीक है यार। ठीक है, तो देखना वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगेगी तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है। वैसे तो सब शुरू करते हैं यार बिना किसी बकवास बाजी के। ठीक है, तो सबसे पहला है फर्स्ट एड रिलेटेड का मैंने आपको बताया, फर्स्ट एड से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फर्स्ट एड की फुल फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट एड की फुल फॉर्म अभी तक आपने जितने वीडियो देखे होंगे उसमें से किसी ने भी नहीं आपको करवाई होगी कि फर्स्ट एड की फुल फॉर्म क्या होती है, और यही हमने सोचा भी नहीं था। और फर्स्ट एड की जो फुल फॉर्म सीटू कंडक्टर का जो एग्जाम हुआ उसमें आई थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिमाचल में भी आएगी, जरूरी नहीं है, बट फिर भी हमें पता तो होना चाहिए ना, आ भी सकती है, वो तो एग्जामिनर पे वो करता है ना। ठीक है, तो ये है कि फर्स्ट एड की मैं फुल फॉर्म आपको फिर भी बता देता हूँ। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ, सिम्टम, ट्रीटमेंट, अरेंजमेंट, इमिडिएटली डिस्पोजल। ये तो आप याद ही कर लेना। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है तो क्या है, जीवन रक्षा के लिए। फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड का उद्देश्य सिर्फ जीवन रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आंतरिक रक्षा का संकेत है, सूजन और दर्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना के बाद जरूरी समय जिसमें मृत्यु हो जाती है, तो यह है दुर्घटना के बाद 60 मिनट के अंदर अंदर फर्स्ट एड देनी पड़ती है या फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, नहीं तो 60 मिनट, डिपेंड करता है। वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि दुर्घटना के बाद जरूरी समय जिसमें मृत्यु हो सकती है तो यह है 60 मिनट। नेक्स्ट है, कहाँ से रक्त स्त्राव को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो यह है कान और नाक से। कान और नाक से कभी खून को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कन्ने तो रोक गए थे पर्दे फटियाने, कहने जे नक्के रोक गए था मुझे नहीं पता क्या होना, बट आंसर यही है, कान और नाक से खून को नहीं रोकना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक उपचार एबीसी नहीं है, तो यह है रक्तस्राव। ठीक है, नेक्स्ट, पट्टी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो यह खून को बहने से रोकने के लिए, मतलब रक्तस्राव को रोकने के लिए, दवाई या कब्जे की स्थिति नियंत्रण के लिए, चोट लगे अंगों को हिलाने से रोकने के लिए। तो इसमें जो है ये मैंने तीनों ऑप्शन डाल दिए हैं, बट पेपर में आपको एक ही करना है जो भी पेपर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होगा रक्तस्राव को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हताहत के प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक प्राथमिक दृष्टि प्राथमिक की प्राथमिक मतलब यार, हताहत के प्राथमिक उपचार के लिए प्रथम प्राथमिक जो दृष्टि से निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो मतलब फर्स्ट एड के हिसाब से जो है यार, इंग्लिश में बताता हूँ, फर्स्ट एड के हिसाब से जो है हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए जब हताहत की कंडीशन हो, मतलब कोई इमरजेंसी पे ही हुए भाई, तालु फर्स्ट एड का सबसे पहला सारा काम क्या है, तो सबसे पहला है श्वास नली अवरूपता का उपचार, श्वास गति का उपचार, हृदय गति का उपचार, खून बहने को रोकने का उपचार। ठीक है, तो ए होना ज्यादा बड़ा, एटा बड़ा आंसर। ठीक है, याद कर लेने, दुर्घटनाओं के घटित होने का क्या कारण है, तो यातायात नियमों का उल्लंघन, ये ऑप्शन में होगा तो ये होगा। अगला है उच्च गति या फिर गलत साइड से ओवरटेकिंग, जो भी ऑप्शन में होगा आपको कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दुर्घटना की सूचना पुलिस को कब देनी चाहिए, तो ये है यदि वाहन क्षतिग्रस्त है, ये भी ऑप्शन में होगा तो, या फिर किसी व्यक्ति को चोट आने या मृत्यु होने पर, तो इसमें भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा, ये पर दोनों सही है। ठीक है, यदि आप कोई सड़क दुर्घटना देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और तो नसना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मदद के लिए रुकना है और पुलिस को खबर देनी है, भागना नहीं है वहां से, कंडक्टर बनना था तो जो पता है फर्स्ट एड की थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम उपचार किट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड किट क्या क्या होना चाहिए था? रुई, पट्टियाँ, चिपकने वाली पट्टी। ठीक है, मतलब चिपकने वाली पट्टी मतलब कि बैंडेड। प्रथम उपचार प्रबंधक के तौर पर आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए था, अमीर और गरीब में अंतर, मतलब कि कोई गरीब है तो उसी पर सबसे पहले उसका वो करना, ऐसा नहीं है। ठीक है, अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको प्रथम उपचार के लिए परीक्षित किया गया है तो आपको कौन सा कार्य नहीं करना है, आपात दृश्य को छोड़कर नहीं जाना है, मतलब भागना नहीं है वहां से, मैंने ऊपर बताया ना वही, नाक में से खून बहने की हालत में क्या करना चाहिए, तो पीड़ित को आगे की ओर झुकाओ, नथनों पर हल्का दबाव डालो, ठंडे तौलिए का प्रयोग करो। नेक्स्ट है, हड़बड़ी केस क्या है, कोई भी हालत जिससे पीड़ित की जान को खतरा हो उसको हड़बड़ी केस कहते हैं, बेहोश पीड़ित को उठाने के लिए उपयुक्त विधि क्या है, तो यह है चार सिरों वाली उठाने वाली सीट या फिर कंधों पर उठाना चाहिए अगर वो अवेलेबल ना हो तो, और ये ऑप्शन में ना हो तो, पहला ऑप्शन में नहीं होगा तो दूसरा, दूसरा दूसरा नहीं होगा तो पहला। ठीक है, नेक्स्ट, कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, आपको जो पहली चीज करनी चाहिए पाँव को ऊपर उठाना चाहिए, पाँव को ऊपर उठाओगे तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दिमाग तक जाएगा। ठीक है, तो शायद उसको होश आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांचने के लिए यदि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक या स्ट्रोक आ जाता है तो पीड़ित को क्या कहोगे, तो उसको बोलोगे कि भाई थोड़ा दे हाथ से, मुस्कुराने के लिए बोलेंगे। ठीक है,
तीव्र रक्तस्राव की हालत में पहला काम आपको क्या करना चाहिए, मतलब जब तेज खून बह रहा हो तो क्या करना चाहिए, साफ कपड़े और हाथ से सीधा दबाव डालो उसके जहाँ भी जहाँ से भी खून बह रहा है, ठीक है। फास्ट का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्राथमिक सहायक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उसको उपचार करना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक सहायक को फर्स्ट एड देनी चाहिए, उपचार करना चाहिए। खून बह रहे रोगी को क्या प्राथमिकता, प्राथमिक सहायता देनी चाहिए, उसका खून रोकना चाहिए सबसे पहले। अगर खून नहीं रोकता तो बंदा डेड, ठीक है। सबसे पहले तो खून ही रोकना चाहिए। प्राथमिक सहायता कब दी जाती है, घटना घटने के तुरंत बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्राथमिक सहायता देने के तुरंत क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर के पास पहुंचाना चाहिए मरीज को, ठीक है। प्राथमिक सहायता देने के बाद जो है डॉक्टर के पास पहुंचाना चाहिए मरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अगर रोगी या जख्मी एक से अधिक हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो है जो सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है उसका इलाज करना चाहिए। आग लगे हुए व्यक्ति के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसकी आग बुझानी चाहिए, और आग दूसरी नहीं, ठीक है, वो जो आग लग जाती है वैसे वो वाली आग। प्राथमिक चिकित्सा शब्द को सबसे पहले किसने अपनाया था, तो ये अपनाया था सेंट जॉन एम्बुलेंस ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी की देखभाल करना, रोगी का जीवन बचाना, या फिर रोगी को शांत रखने का प्रयास करना, ठीक है। जो बड़ा लल्लभा था ये शांत रखना, लेकिन इनमें से ऑप्शन एक ही सही होगा, तो जो आपको पेपर में होगा वो आपको सही कर देना है इनमें से कोई भी एक ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड शब्द का प्रशासनिक रूप कब मिला, फर्स्ट एड शब्द को प्रशासनिक रूप कब मिला, 1979। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया, तो ये किया गया इंग्लैंड में। प्राथमिक सहायक का गुण क्या है, जो प्राथमिक सहायक होता है उसका गुण क्या है, मृदुभाषी और सरल दिल वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सहायक का प्रथम कार्य क्या होता है, तो डॉक्टर को बुलाना, डॉक्टर को बुलाने की व्यवस्था करना, जख्मी की सबसे पहले देखभाल करना, या खून को रोकने का प्रबंध करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन में से जो भी एक आपको होगा, जैसे ऑप्शन में अगर ये होगा तो ये कर देना पहले वाला, नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, ठीक है। जो भी ऑप्शन होगा वहाँ पे, तो उसमें से तीनों राइट होंगे, तीनों में से एक राइट होगा, मतलब यहाँ तो तीनों राइट है, मतलब वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में जो मिलेगा वो आपको उस हिसाब से करना है। धमनी से रक्तस्राव के कारण डैश तक के कम समय में मृत्यु हो सकती है, तो 4 मिनट। हृदयघात से पीड़ित व्यक्ति को किस स्थिति में रखना चाहिए, तो यह है आधी बैठी अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका सहकर्मी सांस घुटने की एवं छाती में जकड़न वाली पीड़ा की शिकायत कर रहा है, आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुविधाजनक स्थिति में बिठाना चाहिए, और कुछ नहीं भाई, उसको सुविधाजनक स्थिति में बिठा के उससे हालचाल पूछो और क्या करना, और प्राथमिक उपचार दे देना अगर बर्थडे कनेक्टर बनना लग गया तो, हाँ था है ना। पर जी ठीक लगा, मैं तो मजाक करा रहा। अगला क्वेश्चन है नंबर 36, आपके एक यात्री की बाजू में चोट लग गई और उसे तेज रक्त बह रहा हो तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे, तो ठीक है, सबसे पहले उसके जख्म पर सीधा दबाव डालेंगे ताकि उसके जो जख्म है उससे ज़्यादा खून ना और खून ना बह जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37, जलने के सामान्य जख्मों को कम से कम कितने मिनट के लिए ठंडा करना चाहिए, तो 10 मिनट तक, ठीक है। जले हुए जो जख्म होते हैं उनको 10 मिनट तक ठंडा करना चाहिए कम से कम। लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो सिर पर आघात के कारण अनेक मिनटों तक बेहोश रहा हो और अब होश में आ गया हो, उसे आप क्या सुझाव देंगे, होश में आ गया हो, ठीक है, या नहीं होगा आ हुआ, तो उसे सीधा ही सुझाव देना भी भाई डॉक्टर चलिए सीधा ही, ठीक है, तो उसे तत्काल अस्पताल जाने को कहोगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में आपको जो है फर्स्ट एड के और क्वेश्चन लेके आऊँगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार, क्योंकि टाइप करके और इधर उधर से मतलब बुक वगैरह से, तो आपको पता है बुक से अगर यहाँ पे टाइप ही करना पड़ता है डायरेक्ट, मैं आपको फ़ोटो खींच खींच के भी नहीं दिखा सकता क्योंकि आंसर कहीं और होते हैं और क्वेश्चन कहीं और होते हैं, आंसर की कहीं और होती है। सो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मैं आपको सिंपैथी देने के लिए, सॉरी लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, हाँ लेके आऊँगा आगे आपको। अभी मेरे से 38 ही क्वेश्चन हुए थे तो मैंने सोचा कि वीडियो भी लंबी बन जाती है, इससे अच्छा है कि आपको जो है मैं जितने मेरे साथ प्रिपेयर हुए मेरे से क्वेश्चन वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लो यार अगर करना है तो, चैनल को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, शेयर मत कर दिया, शेयर करके तो सोचना कि कोई और ना बढ़िया मेरे थे, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना, और काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप मेरे वीडियो में, तो इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और ऐसे ही 10 तारीख तक मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो। 10 तारीख का पेपर फाड़ के आओगे फिर, ठीक है, तो फाड़ ही देने मतलब पेपर करना है मतलब कि वैसे ही फाड़ देने, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।